हेलो व्यूअर्स, मैं आज नूडल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरे नूडल्स है, इसे मैं बॉईल कर लूँगी। मैंने कढ़ाई में पानी को गर्म कर लिया है, पानी बॉईल हो रहा है। अब मैं उसमें नूडल्स को ऐड कर दे रही हूँ। साथ में मैंने हाफ चम्मच नमक उसमें डाल दिया है। ख्याल रखना है नूडल्स को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसको आधा से ज़्यादा ही बॉईल करना है। तो इसे मतलब फुल बॉईल नहीं करना है, नहीं तो चिपक जाएंगे आपस में और पैन से भी नहीं निकलेंगे। मैंने पैन चढ़ा दिया, पैन पूरा गर्म हो गया है। पैन को पूरा गर्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो नूडल्स हैं वो पैन में चिपक जाएंगे। इसमें मैंने एक चम्मच बड़ा चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल को गर्म होने देते हैं, बढ़िया से तेल गर्म हो जाए तब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 कलियाँ लहसुन की, जिसे मैं बारीक काट लिया है। 1 प्याज है मीडियम साइज़ का, 1 मीडियम साइज़ का आलू और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने सब जुलियंस में काट लिया है। तेल गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें लहसुन और 4 मिर्ची, मैंने हरी मिर्ची ली है, इसे मैंने काट लिया है, इसे मैं डाल दूँगी। लहसुन मेरा हो गया है, थोड़ा सा पक गया है। मैं इसे प्याज और आलू साथ में डाल दे रही हूँ। पहले मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, फिर मैं आलू डालूँगी। थोड़ा सा भूनते हैं इसे, थोड़ा सा पका कर, इसे पूरा नहीं पकाना है, आधा कच्चा ही पकाना है, हाफ पका होना चाहिए। और मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। आपको जितना टेस्ट चाहिए, आपको ख्याल रखना है कि आपने नूडल्स में भी बॉईल होते समय डाला है थोड़ा नमक, तो इसमें नमक ज़्यादा ना डालें। अब मैं इसमें टमाटर को भी डाल दे रही हूँ। टमाटर डालकर थोड़ा पकाऊंगी। टमाटर अभी मैंने इसलिए डाला, नमक मैंने डाला है साथ में, इसे डाल देने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैं भूनूंगी, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। ज़्यादा पकाने से आलू टूट जाएंगे और प्याज जो है वो कच्चा ही थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा भून ले रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब सूखी लाल मिर्च। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, इसे मैं डाल रही हूँ। आपको तीखा खाना हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं खाना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मिर्ची डाल के मैंने इसे भूना। अब मैं इसे नूडल्स ऐड कर रही हूँ। नूडल्स को इसमें ऐड करके वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह मिक्सअप करना है। बढ़िया से इसे मिक्सअप करके और इसे मैं 5 मिनट तक भूनूंगी। मैंने इसमें 1 छोटे चम्मच के करीब विनेगर भी डाला है और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें मैगी मसाला भी डाला है, जिसे मैं दिखा नहीं पाई। आप भी इसे डालिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप भी इसे डालकर देखिएगा, खाने में बहुत स्वाद आता है। ये प्लेन चाउमीन ऐसे खाने में बहुत स्वाद आता है। मैंने इसे 5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे प्लेटिंग करूँगी। मैं इसे प्लेटिंग कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी चाउमीन्स नूडल बना है। इसे आप सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर।